दोस्तों अगर आप भी रोहित शर्मा, सरफराज खान और रविंद्र जडेजा को अच्छा बल्लेबाज मानते हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। दोस्तों तीसरे टेस्ट मैच के पहले दिन रोहित शर्मा ने शतक जड़कर बनाए 131 रन और उड़ाकर रख दिए इंग्लैंड टीम के होश, और फिर मैदान पर आकर सरफराज खान और रविंद्र जडेजा ने मिलकर ऐसे पलटा हारा हुआ मुकाबला। देखकर ऐसी खतरनाक बल्लेबाजी पूरे भारत देश के उड़ गए होश। तो दोस्तों आखिरकार रोहित शर्मा और रविंद्र जडेजा के शतक से लेकर सरफराज खान की ताबड़तोड़ पूरी बल्लेबाजी का वीडियो आपको दिखाने जा रहे हैं, तो बने रहिएगा बिल्कुल अंत तक। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि रोहित शर्मा, सरफराज खान और रविंद्र जडेजा में से कौन अच्छा बल्लेबाज है? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों जैसे कि आप सभी तो जानते हैं कि भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा टेस्ट मुकाबला सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम पर शुरू हुआ, जहां इस मैच में भारत की शुरुआत ज्यादा कुछ खास अच्छी थी नहीं, क्योंकि दोस्तों टीम इंडिया ने अपने 3 विकेट तो मात्र 33 रन के कुल स्कोर पर ही गवा दिए थे। एक समय तो ऐसा लगने लगा कि भारत की टीम का स्कोर हम जो 500 रन सोच रहे थे उसके पार तो छोड़ो, अगर 300 रन भी पहुंच जाए तो टीम इंडिया काफी बड़ा स्कोर बना देगी इंग्लैंड के खिलाफ। लेकिन दोस्तों रोहित शर्मा और रविंद्र जडेजा की बल्लेबाजी से शायद हम सभी वाकिफ नहीं थे। इन लोगों ने इस तरह की बल्लेबाजी की कि पूरा मुकाबला ही पलट गया। दरअसल दोस्तों जब यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा पारी की शुरुआत करने के लिए उतरे थे तो यहाँ पर दोनों बल्लेबाज तेजी से रन बनाते हुए नजर तो आए, लेकिन यहाँ पर पहला बड़ा झटका टीम इंडिया को यशस्वी जायसवाल के रूप में लगा, जो कि 10 गेंदों पे मात्र 10 रन बनाकर ही मार्क वुड का शिकार बने और जो रूट ने उनको कैच आउट करवा दिया। और यशस्वी जायसवाल के आउट हो जाने के बाद फिर मैदान पर आए शुभमन गिल, जहाँ शुभमन गिल और रोहित शर्मा के बीच साझेदारी आगे बढ़ पाती उससे पहले ही शुभमन गिल भी अपना विकेट गवा बैठे और यहाँ पर शुभमन गिल के बल्ले से कोई भी रन निकला नहीं। अब दोस्तों यहाँ पर 2 विकेट के नुकसान पर भारत ने मात्र 24 रन बनाए थे और यहाँ पर रोहित शर्मा एक तरफ पारी को संभाले तो हुए थे लेकिन दूसरी तरफ उनका साथ कोई निभा नहीं पा रहा था। इस बीच देखते ही देखते रजत पाटीदार और रोहित शर्मा साझेदारी को आगे बढ़ाते, उससे पहले पाटीदार को भी टॉम हार्टली ने चलता किया और 3 झटके भारत को शुरुआत में लग गए। लेकिन यहाँ पर रोहित शर्मा और रविंद्र जडेजा ने मिलकर पूरा मुकाबला ही पलट कर रख दिया। जी हाँ दोस्तों, दोनों बल्लेबाजों ने 4th विकेट के लिए 200 रन की साझेदारी कर डाली। इस बीच रोहित शर्मा के बल्ले से तो शतक निकला ही और उनके साथ बल्लेबाजी कर रहे रविंद्र जडेजा भी फिर कहां पीछे रहने वाले थे। यहां पर जडेजा ने 78 रन की पारी खेल डाली और यह मुकाबला पूरी तरह से भारत की तरफ झुकता हुआ फिर नजर आया। इस बीच इंग्लैंड टीम के कप्तान बेन स्टोक्स कई बेमानियों के पैतरे अपना रहे थे कि इन बल्लेबाजों को किसी भी तरह से आउट किया जाए, लेकिन दोस्तों आप तो जानते हैं कि भारत की बल्लेबाजी जब एक बार चलनी शुरू हो जाती है तो यहां पर मैच को जीतना टीम इंडिया के लिए बड़ा ही आसान हो जाता है। और यहाँ पर रोहित शर्मा और रविंद्र जडेजा ने भी यही किया, जहाँ दोनों बल्लेबाजों को बखूबी पता था कि इनके बाद के बल्लेबाजों पर भरोसा किया नहीं जा सकता, अगर खेलनी है तो खुद ही बड़ी पारी खेलो, और दोनों ने मिलकर आज अच्छी साझेदारी निभाई। इस बीच भारतीय टीम ने तीसरे टेस्ट मैच के पहले दिन तीसरी पारी के दौरान इस मैच में रोहित शर्मा जब अपने 200 रन के करीब जा रहे थे तभी मार्क वुड ने उनको पुल शॉट खेलने पर मजबूर किया और दोस्तों यह पुल शॉट खेलना इतना भारी उनको पड़ गया कि यहाँ पर रोहित शर्मा का विकेट गिर गया और 196 गेंदों में 14 चौके और 3 छक्कों की बदौलत रोहित शर्मा 131 रन बनाकर बेन स्टोक्स के हाथों कैच आउट हुए। और दोस्तों रोहित शर्मा का विकेट गिर जाने के बाद फिर मैदान पर उतरे सरफराज खान, जहां सरफराज खान का यह डेब्यू मुकाबला था और दोस्तों डेब्यू मैच में आखिर इस प्रदर्शन की कोई भी उम्मीद नहीं कर रहा था कि वो आते से ही सबसे पहले तो अपना 50 मात्र 49 गेंदों में ही पूरा करेंगे और फिर ऐसी बल्लेबाजी करके हर किसी को हैरान कर देंगे। जी हां दोस्तों, इस दौरान रविंद्र जडेजा और सरफराज खान के बीच मात्र 70 गेंदों के भीतर ही शतकीय साझेदारी हो गई, जहां दोनों बल्लेबाजों ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए स्कोर को बेहद ही तेज गति से आगे बढ़ाया। इस बीच रोहित शर्मा और यहां तक कि राहुल द्रविड़ भी काफी ज्यादा चौंकते हुए नजर आए, क्योंकि सरफराज खान का जिस तरह से बल्ला चल रहा था वह देखकर तो ऐसा लगने लगा कि हां स्कोर अब 500 रन के पार ही पहुंचेगा। और दोस्तों देखते ही देखते टीम इंडिया के लिए दोनों बल्लेबाजों ने 400 रन का आंकड़ा भी पार कर दिया। इस बीच रविंद्र जडेजा ने जहां अपना शतक तीसरी पारी में पूरा कर लिया तो वहीं सरफराज खान भी अब अपने शतक की ओर आगे बढ़ चले हैं, जहां दोनों बल्लेबाजों से अब यही उम्मीद पूरा देश कर रहा है कि 200-200 रन बनाइए और टीम इंडिया के लिए यहां 600 से ज्यादा रन बनाकर इंग्लैंड की टीम को खुलेआम चुनौती दे। बाकी अब आप सभी की क्या राय है भारतीय टीम की ऐसी शानदार बल्लेबाजी को देख लेने के बाद, और आप भारत के बल्लेबाज रोहित शर्मा, सरफराज खान और रविंद्र जडेजा को 10 में से कितने नंबर देना चाहोगे? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।